आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता सुधांशु मित्तल से, जो कि बीजेपी के पूर्व मैनेजर, प्रबंधक माने जाने वाले दिवंगत प्रमोद महाजन के बड़े ही अनन्य मित्र हैं। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी में राजनाथ सिंह दोबारा अध्यक्ष बने हैं, सुधांशु मित्तल एक बार फिर लाइमलाइट में आ गए हैं। सुधांशु जी, साधना न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि पिछले दो लोकसभा चुनावों पर अगर नज़र डालें तो भारतीय जनता पार्टी जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतरती नहीं नज़र आई। इस बार ऐसा क्या कुछ नया करने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता कि आपको लगता है कि आपकी सरकार बन सकती है? देखिए, ये जो आपने कहा, इसको आपको उस समय के परिप्रेक्ष्य में देखना जरूरी है कि 2004 में और 2009 में क्या हुआ। जब हम देख पाएंगे कि असलियत क्या हुई थी, तब हम कहीं 2014 में क्या होने वाला है उसको समझ पाएंगे। 2004 के अंदर बहुत उम्मीद थी भाजपा से कि भाजपा की सरकार दोबारा आएगी। अटल जी का नेतृत्व था, बड़ा व्यक्तित्व था उनका, लोगों में आकर्षित था और आकांक्षाएं थी उनसे। लेकिन फिर भी हम लोग हार गए और वो हार से लोगों को लगा कि पता नहीं क्या हुआ। लोगों ने कहा, अरे भाई, ये इंडिया शाइनिंग कैंपेन जो था ये फेल हो गया, वो हो गया। ये असलियत नहीं थी। अगर उस चुनाव का गौर से विश्लेषण करें तो वहां पे जो हमारे अलाइज थे उनसे जो अपेक्षा करी जाती थी जीत की, वो नहीं हो पाई। जैसे चालू करते हैं, तमिलनाडु में डीएमके को छोड़ के हमारा संबंध बन गया अन्ना डीएमके, और अन्ना डीएमके उस चुनाव में बुरी तरह हारी। आंध्रा में चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलके हमारे एक पास जो थी 30 से ऊपर सीटें थी वहां पे। चंद्रबाबू नायडू और भाजपा दोनों का आंध्रा में इतनी करारी हार मिली कि खाते ही नहीं खुले हमारे। तो ठीक, यूपी, क्योंकि 52 एमपीस थे यूपी से 98 में, जी और 99 में ये 25 रह गए थे। ये जब हम 2004 के चुनाव में गए थे तब भी सबके जहन में था कि यूपी में अगर हम लोगों ने अच्छा नहीं करा तो शायद दिक्कत आएगी। हुआ ये कि कल्याण सिंह जी ने पार्टी में ज्वाइन करा और एक नई आशा की किरण सब में जागी कि भाई अब बड़ा व्यक्तित्व हमारे साथ आ गया है और यूपी की जनता का विश्वास हमें मिल पाएगा। लेकिन जब 2004 के रिजल्ट निकले तो पता लगा कि सिर्फ 25 से बढ़ने की जगह हम 10 सीटों पे आ गए, तो एक बहुत करारा झटका लगा। कुछ अलायंसेस जो होने थे वो किसी कारणवश हो नहीं पाए। जैसे झारखंड में जेएमएम के साथ उस जमाने में अलायंस होना था, क्योंकि जेएमएम ने एनडीए को हमारे कार्यकाल के दौरान समर्थन दे रखा था। अगर वो अलायंस होता तो उम्मीद ये थी कि भाई फिर तो 14 में से 13 सीटें आने वाली हैं। लेकिन नहीं हुआ, तो क्या हुआ, एक सीट आई। असम, एजीपी, बीजेपी मिलकर अगर चुनाव लड़ लेते तो हम लोग स्वीप करते थे उसको, 14 सीटें वहां पे। नहीं लड़े, 2 सीट पे रह गए। तो वहां की परिस्थितियों में अलायंसेस और अलाइज, इन दोनों की वजह से कहीं भाजपा को एक भारी झटका लगा और इसलिए हारे। वो चुनाव हम केंद्र की नीतियों पर नहीं लड़ा गया। लोगों ने उस चुनाव को ऐसे देखा जैसे वो अपने राज्य की विधानसभा के लिए चुनाव में वोट दे रहे हैं, तो वहां का स्थानीय परिप्रेक्ष्य था। उसके बाद आ गया 2009 का चुनाव। 2009 के चुनाव में एक जो वातावरण बना, उस वातावरण में कहीं भाजपा अपना संदेश जनता के बीच में नहीं दे पाई। यूपीए 1 के कुशासन का, तब तक भ्रष्टाचार का भी इतना बड़ा माहौल यूपीए 1 के खिलाफ नहीं बन पाया था, और विभिन्न राज्यों में हमारी कमजोरियां थी। अब आप देखिए, करीबन 150-200 सीट पे तो भाजपा का कहीं ना कोई अलायंस था, ना कोई फ्यूचर अलाइज दिख रहा था, ना कोई स्टेक्स थे। चालू करते हैं, तमिलनाडु 39+1 सीट पांडिचेरी की, हम थे ही नहीं। आंध्रा 42 सीट, हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं। वेस्ट बंगाल 42 सीट, ना टीएमसी ना लेफ्ट, किसी से कोई लेना देना नहीं।
केरल 20 सीट कोई लेना देना नहीं, नॉर्थ ईस्ट में 25 सीटें हैं, असम में हम लड़े बाकी 11 सीट पे कोई लेना देना नहीं, उड़ीसा एक अलाई था उससे भी संबंध टूट गया था, 21 सीटें उड़ीसा की कोई लेना देना नहीं, जीरो है। तो एक इतना बड़ा भूखंड में ना भाजपा खुद थी, ना उसका कोई समर्थक था, ना कोई भविष्य में समर्थक हो सकता है ऐसी कोई स्थिति थी, इसलिए एनडीए नहीं आ पाई। अब 2014 का परिपेक्ष बिल्कुल ही भिन्न है। पिछले 5 साल के कुशासन से जनता इस समय त्राही त्राही जनता में मची हुई है, त्रस्त है, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो चुकी है। आप कीमती देखिए, कीमतें आसमान को छू रही है, एक गृहिणी की मनस्थिति देखिए क्या हो रही है, उसका पति उसको वही 5,000 रुपये 3,000 रुपये 4,000 रुपये ला के देता है और कहता है अपना बजट चलाओ, वो बड़ी मुश्किल से ये काट वो काट, बेटे के लिए दूध कम लाऊं मैं, ये करूं वो, जब तक ये तय कर पाती है तब तक पता लगा चीजों की दाम फिर बढ़ गए, क्या करे। वो आक्रोश है जनता में, इस कुशासन की वजह से जनता में आक्रोश है, जनता दिन गिन रही है कि किस दिन उनको हक मिले इस सरकार को उठा के फेंक देने का। चलिए आप कुशासन की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने खुद ही जैसे कहा कि एनडीए को अलायंस पार्टनर्स नहीं मिले, लेकिन अगर 2014 के चुनाव की बात करें तो एक बार फिर से आपके अलायंस पार्टनर्स घट रहे हैं, तो उनके लिए आप कौन से नए अलायंस पार्टनर्स पर ध्यान दे रहे हैं? देखिए इस समय राजनीति में एक और नया एक नया माहौल बनता जा रहा है, जो कभी नॉन बीजेपी या एंटी बीजेपी एंड प्रो बीजेपी बन रहा था वो अब नॉन कांग्रेस का एक माहौल बनता जा रहा है। आज कांग्रेस जो है वो लोगों के लिए अनटचेबल होती जा रही है, वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लिए कांग्रेस अनटचेबल हो गई है, डीएमके के लिए कांग्रेस धीरे धीरे अनटचेबल होती जा रही है, टीएमसी के लिए कांग्रेस अनटचेबल होती जा रही है, धीरे धीरे जो कभी हमारी दिक्कत थी वो दिक्कत अब कांग्रेस पे आती जा रही है। और अगले चुनाव के अंदर जिस पार्टी को श्रेष्ठतम परफॉर्मेंस का मौका मिलेगा, उस राजनीतिक दल को समर्थन उन सारी राजनीतिक पार्टियों से मिलने की उम्मीद करी जा सकती है जो इस समय कांग्रेस के खिलाफ है और जहां पे उनके प्रदेश में वो कांग्रेस से लड़ रहे हैं। तो ये जो बदलती हुई परिस्थिति है, इस परिस्थिति में कहीं चीजों में परिवर्तन और फर्क आने की उम्मीद है। दूसरा, भाजपा का खुद का अपना जो उनका प्रदर्शन रहने वाला है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। दिल्ली इलेक्शन कमेटी के आप कन्वेनर हैं, जाहिर तौर पर आपको दिल्ली की सियासत और बाकी चीज़ों की बहुत बेहतर समझ है, इसलिए आपसे जानना चाहूँगी कि विजेंद्र गुप्ता जी का जो कार्यकाल था उसको भी लोग कहते हैं कि बड़ा अच्छा था और उन्होंने भी काफ़ी सारे काम किए, उनको क्यों नज़रअंदाज किया गया? नहीं नहीं, ये कल्पना करना कि किसी के कार्यकाल में अच्छे के बावजूद उसको नज़रअंदाज करा गया, ये सही नहीं है। विजेंद्र जी ने अपने कार्यकाल में बहुत काम करा, शीला दीक्षित को इतनी बड़ी चुनौती इतने लंबे अरसे तक देते रहे। हमारे यहाँ एक व्यवस्था है, संगठनात्मक व्यवस्था, कि अध्यक्ष जब बनता है नया तो नई टीमें आती हैं, नया चुनाव होता है, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, उन्होंने एक नई अपनी प्रदेशों में टीम बनाई और उस क्रिया के की वजह से विजेंद्र जी की जगह एक नए अध्यक्ष को लाया गया। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अच्छा काम नहीं किया था, बहुत अच्छा काम करा था। मैंने कहा ना कि विजेंद्र जी ने अपने कार्यकाल में एक नई ऊर्जा और नई शक्ति भाजपा को प्रदान करी, लोगों में जोश है और आज इसी वजह से कांग्रेस अगर घबराई हुई है तो वो काम जो उन्होंने करा था और उसके बाद अब जो विजय गोयल जी ने आके उसी काम को जो आगे बढ़ाया है उसी वजह से आज कांग्रेस घबराई हुई है। दिल्ली चुनाव के नजरिए से क्या रणनीति रहने वाली है पार्टी की? पार्टी फिर जिसको कहते हैं बैक टू द रूट्स वो अपना रही है। हम अपना संबंध उस व्यक्ति से फिर स्टैब्लिश कर रहे हैं जिसके लिए रोटी की समस्या है, जिसके लिए बिजली की समस्या है, जिसके लिए पानी की समस्या है, जिसके लिए घर की समस्या है, वो है जिसको कि जिसका उपहास हुआ हुआ है, उस व्यक्ति की तरफ कोई देखना नहीं चाह रहा। कांग्रेस की सरकार बड़े बड़े
कॉन्फ्रेंसेज में, फाइव स्टार होटलों में बैठ के बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है, लेकिन ये गरीब आदमी जो है, ये झुग्गी झोपड़ी वाला, अनऑथराइज कॉलोनी वाला, जो रेगुलराइज कॉलोनीज हो गई हैं लेकिन वहाँ पे रिसेटलमेंट कॉलोनीज हो गई हैं, वहाँ पे जहाँ पे मौलिक व्यवस्थाएं नहीं है, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरीके की मीडिया रिपोर्ट्स आती हैं, शीला दीक्षित का जो कार्यकाल रहा है, उन्होंने जो विकास किए हैं, उसको चुनौती दे पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली में बहुत कठिन है। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि घोषणाएं और मीडिया, यही अगर सत्य होता तो शायद स्टेटों में परिवर्तन नहीं हो सकते थे, क्योंकि मीडिया की घोषणाएं और मीडिया के माध्यम से इमेजेस बनाना तो बहुत ही आसान है, लेकिन असलियत क्या होती है। मैंने चंद्रबाबू नायडू जी का नाम लिया, कोई कह सकता था कि आंध्र की जनता, लेकिन आपके लिए तो खुश होने की भी वजह है कि मीडिया ने नरेंद्र मोदी की इमेज भी लार्जर देन लाइफ बना रहा है। नहीं, मीडिया ने बहुत कोशिश करी कि नरेंद्र मोदी को किस तरह तबाह करा जा सके, उनके खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र मीडिया के माध्यम से नहीं लगे, या उनको, उनकी छवि खराब करने की वो कौन सी कोशिश है जो नहीं हुई, लेकिन क्योंकि उनका काम बोलता है। देखिए, राजनीति में एक शाश्वत सत्य है कि आदमी का काम बोलता है। जनता कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाइए तो कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलती है, उनका प्रदेश बोलता है। आज सुशासन की अगर कोई प्रतिमूर्ति है तो नरेंद्र मोदी है, वहां भ्रष्टाचार रहित सुशासन है, वहां पे विकास की दर जो है किसी भी राज्य से ज्यादा है। तो इसलिए जो काम है, काम का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। काम की आप बात कर रहे हैं, जो इंडिया शाइनिंग कैंपेन कमेटी थी, मुझे याद है आप उसके भी प्रबंधक थे, तो इमेज बनाना कैसे बनाया जाता है, उसका लाभ कैसे लिया जाता है, मुझे लगता है आप इसको बहुत बेहतर समझते हैं। आपको नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी की जो इमेज है उसको भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा कर रही है, और हो सकता है कि उस इमेज के बदौलत उनको कुछ नुकसान भी उठाना पड़े, काम गिनवाने के बजाय छवि पर जोर दी जाए। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय नेताओं की छवि जनता के सामने लेके जा रही है, ताकि ये व्यक्तित्व जो है वो उम्मीद का केंद्र बन सके। इन सब में, इन सारे व्यक्तित्वों में एक विश्वसनीयता है, चारित्रिक विश्वसनीयता है, इनकी वैचारिक विश्वसनीयता है, इनकी प्रचार प्रशासनिक विश्वसनीयता है, और वो विश्वसनीयता को हम जनता के सामने लेके जा रहे हैं और विश्वास दिला रहे हैं कि इस कुशासन से आपको निजात दिलवा के हम सुशासन देंगे, ये कर रहे हैं हम लोग। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।